हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन गाइस फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। गाइस आज के ब्लॉग में हम अपने शहर झुमरी तिले या के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, हमारे शहर झुमरी तिले में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन पहला ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके अंदर डायलिसिस सेंटर का ओपनिंग हुआ है और उस डायलिसिस सेंटर का नाम है एडवांस केयर डायलिसिस सेंटर। ये हमारे शहर झुमरी तिलैया के बाईपास रोड में केयर हॉस्पिटल है जिसके अंदर एडवांस केयर डायलिसिस सेंटर का ओपनिंग हुआ है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोग डायलिसिस सेंटर का मतलब समझ भी गए होंगे और जो लोग नहीं समझे मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। डायलिसिस सेंटर का मतलब ये होता है कि जो लोग किडनी की बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं उनका पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट डायलिसिस मशीन के थ्रू किया जाता है डायलिसिस सेंटर में। तो जी हाँ, ये हमारे शहर झुमरी तिलैया में ओपनिंग हुआ है जो कि 14 अगस्त 2022 को हुआ था। अभी अप्रॉक्सीमेट 1.5 महीना हो चुका है। आज हम वहाँ पे जाने वाले हैं और वहाँ का लोकेशन भी आपको दिखाने वाले हैं और डायलिसिस सेंटर का इंटीरियर व्यू भी दिखाने वाले हैं और वहाँ पे जो ऑनर है डायलिसिस सेंटर के उनसे थोड़ा हम बात करेंगे और थोड़ा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, जिस हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का ओपनिंग हुआ है उस हॉस्पिटल का नाम है केयर हॉस्पिटल और इस केयर हॉस्पिटल के अंदर में जो डायलिसिस सेंटर ओपन हुआ है उसका नाम है एडवांस केयर डायलिसिस सेंटर। तो गाइस अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं और सब कुछ वहाँ पे हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। तो गाइज़, हम केयर हॉस्पिटल के पास आ चुके हैं। केयर हॉस्पिटल के अंदर सेकेंड फ्लोर पे एडवांस केयर डायलिसिस सेंटर है। अगर हम बात करते हैं इसके पार्किंग एरिया की तो अच्छा खासा बड़ा है, गाड़ी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम बात करते हैं केयर हॉस्पिटल और एडवांस केयर डायलिसिस सेंटर के लोकेशन की, तो जी हाँ, ये हमारे शहर झुमरी तिलैया के बाईपास रोड में है। जो लोग यहाँ से बाहर के लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बाई रोड आने का 2 रूट है, एक बाई झारखंड, दूसरा बाई बिहार। अगर आप बाई बिहार से आते हो तो पहले आप झारखंड में इन करोगे तो आपको कोडरमा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। वहाँ से आपको लगभग 24 किलोमीटर आप चलोगे तो फिर आप केयर हॉस्पिटल के पास पहुँच जाओगे, जो कि आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा झुमरी तिलैया के बाईपास में। और अगर हम बात करते हैं झारखंड रोड की तो सबसे पहले आप बरही चौक आओगे। बरही चौक से आप किसी से भी पूछोगे झुमरी तिलैया का रास्ता तो आपको कोई भी बता देगा। तो जैसे आप झुमरी तिलैया के बाईपास रोड में आओगे तो आपको राइट साइड में केयर हॉस्पिटल मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके लैंडमार्क की तो केयर हॉस्पिटल के सामने आपको TVS बाइक और यामा बाइक की शोरूम मिलेगी और बगल में गायत्री माँ का मंदिर मिलेगा। तो गाइज़, हम लोग हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, हॉस्पिटल को काफ़ी अच्छे स्पेस में तैयार किया गया है। अभी हम लोगों को सेकेंड फ्लोर पे जाना है तो यहाँ पे लिफ्ट की भी फैसिलिटी है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये रहा लिफ्ट, लेकिन हम लोग सीढ़ी से जाएंगे क्योंकि सेकेंड फ्लोर यार ज़्यादा नहीं है। तो सीढ़ी का आप हाइट भी देख रहे हो तो कंफर्टेबली आप बिना परेशानी के आप ऊपर चढ़ सकते हो। तो फाइनली हम लोग सेकेंड फ्लोर पर आ चुके हैं केयर डायलिसिस सेंटर। तो इस डायलिसिस सेंटर का जितना भी ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर हिमाद्री शंकर के देख रेख में किया जाता है। ये रिसेप्शनिस्ट रूम है, आप इसको ऑफिस भी बोल सकते हो। ये रहा डायलिसिस मशीन। तो गाइज़, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे टोटल 3 डायलिसिस मशीन है, अभी 3 बेड हैं और फिलहाल अभी 3 पेशेंट मेरे को दिख रहे हैं। एक मशीन वहाँ है, नंबर 2 मशीन यहाँ है और नंबर 3। तो मैं इसको भी सामने से एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यार, यहाँ भी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी भी है। तो गाइस, एडवांस केयर डायलिसिस सेंटर का जितना भी इंटीरियर व्यू था, लोकेशन था, वो मैंने आपको दिखा दिया और मैंने उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में जानते हैं। तो यहाँ इस डायलिसिस सेंटर के ऑनर हैं बिट्टू भैया, अब हम लोग उनसे बात करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, किसी को अपॉइंटमेंट लेना है तो उसका टाइमिंग क्या है, कैसे ले सकता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। हेलो भैया। तो गाइस, ये हैं बिट्टू भैया जो इस डायलिसिस सेंटर के ऑनर हैं, तो हम लोग इनसे थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। भैया, अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेना होगा तो कैसे लेगा, कोई बाहर का आदमी? जैसे लोकल है तो वो तो आ भी जाएगा, चला भी जाएगा। जैसे बाहर का आदमी, उसको कंफ्यूजन रहता है कि ऑनलाइन लेना या ऑफलाइन लेना, तो कैसे लेगा? यहाँ दोनों सुविधा है, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो मतलब ऑनलाइन में क्या सुविधा है, जैसे किसी को नंबर लगाकर कैसे? फोन के माध्यम से। तो गाइस, यहाँ पे फोन नंबर अवेलेबल है जो कि 24x7 है, क्योंकि 24x7 है। तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि इमरजेंसी में आप कभी भी, रात का समय रहे या दिन का, कभी भी आप कॉल करके इमरजेंसी में अपना नंबर लगा सकते हो। और पेशेंट के साथ कितना लोग अलाउ करते हैं? एक अटेंडर। तो गाइस, ये हमेशा ध्यान रखना कि पेशेंट के साथ यार ज्यादा आदमी मत आना, चाहे कितना भी इमरजेंसी रहे, क्योंकि हॉस्पिटल में एक से ज्यादा अलाउड नहीं है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। और अगर भैया फैसिलिटी में बात करें, फैसिलिटी में हमारे आयुष्मान है, आयुष्मान कार्ड है। तो गाइस, ये देखो, बहुत सारे डायलिसिस सेंटर है कि सब में यार आयुष्मान कार्ड जरूरी नहीं है कि लेगा, लेकिन यहाँ पे है।
और यहाँ का जो लोकेशन है वो मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया है। तो जो हमारे शहर झुमितलिया के बाईपास रोड में केयर हॉस्पिटल है उसके अंदर सेकंड फ्लोर पे एडवांस केयर डायलिसिस सेंटर है जिसमें आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे यार लिफ्ट की भी सुविधा है। और भैया क्या क्या है यहाँ पे? एक साथ तीन पेशेंट का डायलिसिस हो सकता है, एक साथ तीन पेशेंट का भी डायलिसिस हो सकता है मतलब। और इमरजेंसी में जैसा कि बताया 24/7 तो हमेशा कॉल रात दिन आप कभी भी कर सकते हो, ये सबसे बड़ा बात है। यहाँ पे आईसीयू है, इमरजेंसी में भी अगर कोई पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट होता है तो वहाँ डायलिसिस की सुविधा है। तो गाइस यहाँ पे आईसीयू और एनआईसीयू दोनों है, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। तो थैंक यू सो मच भैया। तो गाइज एडवांस केयर डायलिसिस सेंटर का मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया और सब कुछ बता दिया, और आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एडवांस केयर डायलिसिस सेंटर का ऑफिस नंबर डाल दिया है वहाँ पर, जो कि 24/7 है। आप कभी भी कॉल करके जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप पूछ सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइज आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। बाय बाय।